फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि रेलवे इंजन्स में हम कौन से टाइप की मोटर्स का यूज़ करते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि रेलवे इंजन्स में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग यूज़ करते हैं और पेंटोग्राफ के थ्रू सिंगल फेज की सप्लाई लेते हैं। उस वीडियो में बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि जब आप सिंगल फेज की सप्लाई ले रहे हैं तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई सिंगल फेज है, मोटर थ्री फेज है, तो ये सिंगल फेज और थ्री फेज का जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर नहीं हो पाया था। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सिंगल फेज सप्लाई से थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस तरह रेलवे इंजन्स में यूज़ की जाती है, सिंगल फेज सप्लाई का यूज़ करके थ्री फेज इंडक्शन मोटर आप कैसे रन कराते हैं। बाकी रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम से रिलेटेड वो जो ओरिजिनल वीडियो था जो कुछ दिन पहले हमने डाला था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप बाकी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि सिंगल फेज सप्लाई का यूज़ करके थ्री फेज मोटर को किस तरह रन कराया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आप जो सर्किट यूज़ करेंगे, इसमें बेसिकली एक रेक्टिफायर सर्किट आपको यूज़ करना पड़ेगा। रेक्टिफायर सर्किट नॉर्मली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज ओवर करना पड़ता है। अब ये एसी सप्लाई सिंगल फेज भी हो सकती है, थ्री फेज भी हो सकती है। तो अगर आपको थ्री फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो भी आप रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करेंगे, सिंगल फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो भी आप रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी पहले हम लोग रेक्टिफायर सर्किट लगाएंगे जहां पेंटोग्राफ से जो सिंगल फेज की सप्लाई हम ले रहे हैं उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बाद आप एक इन्वर्टर सर्किट लगाएंगे, क्योंकि इन्वर्टर आपको डीसी से अगेन एसी में चेंज ओवर करके देता है। अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि जब आप एसी ले रहे हैं और एंड में भी रिजल्ट आपको एसी में ही चाहिए, तो बीच में डीसी में कन्वर्ट करने का क्या प्रोविजन है, डीसी में कन्वर्ट करने के पीछे पर्पस क्या रहता है। तो देखिए, जो एसी सप्लाई होती है, एसी की जो वेवफॉर्म होती है, ये ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड वेवफॉर्म होती है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव वेवफॉर्म, यानी साइनोसाइडल वेव होती है जो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड फॉर्म में होती है। किसी भी चीज़ को जो ऑलरेडी डिस्टर्ब है उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे में सिंपल चीज़ ये है कि आप पहले एक डिस्टर्ब्ड वेवफॉर्म को, एसी वेवफॉर्म को एक स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि डीसी में कन्वर्ट करें। डीसी वेवफॉर्म एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक बार आप डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, एक स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म आपकी आ जाएगी, उसमें फिर आप जो चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं और आउटपुट मॉडिफाइड वे में ले सकते हैं। ये पर्पज़ होता है कि क्यों हम एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इन्वर्टर सर्किट लगा के उसे फिर से एसी में चेंज ओवर किया जाता है। अब आप यहां जो इन्वर्टर सर्किट लगाएंगे, ये इन्वर्टर सर्किट इस डीसी को अगेन एसी में चेंज ओवर करेगा, लेकिन अब हमें जो एसी का आउटपुट मिला है वो मॉडिफाइड वे में मिलेगा। ये ऐसा एसी आउटपुट मिलेगा जिस एसी आउटपुट की आपको रिक्वायरमेंट है। अब ये जो रेलवे इंजन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हमारे आउटपुट की रिक्वायरमेंट थ्री फेज की है। हमने जो इनपुट दिया था वो सिंगल फेज एसी दिया था, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो थ्री फेज एसी की है आउटपुट में। तो इसलिए हम सिंगल फेज पहले रेक्टिफायर सर्किट में देंगे, रेक्टिफायर सर्किट उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, वहाँ हम उसमें जो चेंजेस करना चाहे उस वेवफॉर्म में कर सकते हैं। फिर उस डीसी को अगेन एसी में चेंज ओवर करने के लिए आप इन्वर्टर सर्किट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि ये तो वीएफडी का सर्किट हो गया। VFD में भी नॉर्मली रेक्टिफायर और इन्वर्टर का यूज़ करके ही आप RPM को वेरी करते हैं। जब भी आपको मोटर का RPM वेरी करना होता है तो VFD के थ्रू ये किया जाता है और इसी रेक्टिफायर और इन्वर्टर सर्किट के थ्रू किया जाता है। पर वहाँ थ्री फेज का थ्री फेज ही होता है, यहाँ सिंगल फेज का थ्री फेज कैसे हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो देखिए, VFD भी कई तरह की आती है। VFD ऐसी भी आती है जो थ्री फेज AC लेगी और थ्री फेज AC ही देगी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि अब आपका आउटपुट में RPM मोटर का चेंज हो चुका होगा। एक VFD ऐसी भी आती है जो सिंगल फेज AC की सप्लाई लेती है और आउटपुट में थ्री फेज AC देती है। इसी टाइप के VFD को रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता है और इसी तरीके से पेंटोग्राफ से जो सिंगल फेज की सप्लाई आप ले रहे हैं उसको थ्री फेज में कन्वर्ट करके थ्री फेज इंडक्शन मोटर को रन कराया जाता है। ये एक कन्फ्यूजन उस वीडियो में रह गया था। मोस्टली लोगों ने मुझे यही कमेंट किया था कि सिंगल फेज से आप थ्री फेज कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये VFD के थ्रू ही किया जाता है। नॉर्मली VFD का जो ऑपरेशन होता है ये मोटर के स्पीड को वेरी करना होता है, RPM वेरी करना होता है। नॉर्मल इंडस्ट्रीज में जो VFD लगी रहती है वो मोटर के RPM को चेंज करने के लिए यूज होती है। पर आप रेलवे इंजन्स की अगर बात करेंगे तो ऐसे भी VFDs आती है जो सिंगल फेज AC सप्लाई लेती है और आउटपुट में थ्री फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करती है, और इसी तरीके से रेलवे इंजन्स में काम होता है।
तो दोस्तों आई होप वो कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो गया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।